नागर साहब आपका क्या अनुमान है? देखिए यहां दोनों मामलों में जैसे दिनेश खटीक भी यही बात कह रहे हैं कि अफसर बेईमानी कर रहे हैं, जितिन प्रसाद भी यही बात कह रहे हैं कि अफसरों ने तबादले कर दिए, इतने सारे उसमें पैसा खाया है, सारा ठीकरा अफसरों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। सर मेरा इसमें पहले तो बहुत प्यारे से दो सवाल हैं। एक तो समाजवादी के जो प्रवक्ता हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो उसके फेवर में है या खिलाफ है, क्योंकि हम तो खिलाफ थे। दूसरा सौरभ जी आपसे है, बीजेपी वाले प्रवक्ता रोज रहते हैं, आज आपने बीजेपी वाले प्रवक्ता क्यों नहीं बुलाए? और इसके बाद मेरा अपना सीधा मानना ये है कि जो हमारे साथी राजनीतिक विश्लेषक जो अभी बोल रहे हैं उनकी बात में बहुत दम है। अगर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मिनिस्टर को बिल्कुल बेकार कर देंगे और अधिकारियों से चलाएंगे और अधिकारी अपने मनमानी करेंगे और भ्रष्टाचार भी डबल हो जाएगा, या वो कामों को रोक देंगे अगर उनको कोई फायदा नहीं है, और काम रुकने से पूरे प्रदेश की तरक्की रुक जाएगी, पूरे देश की इकोनॉमी खराब हो जाएगी। इसमें एक व्यवस्था डेवलप्ड करने की जरूरत है, जो कामों को डेली मॉनिटरिंग करें और काम जो आए हैं वो क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों पेंडिंग है, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए और उसके लिए लायबल कौन है, और काम किस तरह तेजी से आगे बढ़े, पारदर्शिता भी रखी जाए, भ्रष्टाचार भी रोके जाए और कामों को भी आगे बढ़ाया जाए, और मिनिस्टर और अधिकारी की तालमेल बैठा करके काम ऐसे कराए जाए जिसको किसी को भी घुटन ना हो। मिनिस्टर बैठा दिए, अभी जो कह रहे हैं 3 महीने से उन्हें यही नहीं पता हमारा काम क्या है, तो घुटन तो होगी, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, डिप्रेशन में भी होंगे, और वो उल्टे सीधे बयान भी देंगे, इस्तीफे भी देंगे, सारी घटनाएं घटेंगी। तो जो शीर्ष नेतृत्व है यूपी का चाहे देश का, उनकी जिम्मेदारी बैठती है बीच में तालमेल ठीक बैठा के बना के, ताकि सरकार मिनिस्टर और अधिकारी ठीक काम कर सके। अब आपने मुझसे जो सवाल पूछा उसका जवाब पहले दे देता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाया था, बीजेपी के प्रवक्ता आ भी रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने ना आना उचित समझा। अब हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन जरूर उनको बुलाया था। और दूसरा मेरा अभी आपसे एक सवाल है, आपने कहा काम नहीं होगा, इकोनॉमी ठप हो जाएगी। योगी जी की कार्यशैली के बारे में उनके पिछले कार्यकाल में भी यही कहा जाता था कि वो अफसरों से काम निकलवाने में ज्यादा उनकी कोशिश रहती है कि अफसर ज्यादा एक्टिव रहें, और इस पिछली बार भी विधायकों की बहुत नाराजगी आती थी। विधायक ने तो निकल के कह दिया था, हम विधायक हमारी कोई औकात है क्या, ऐसे ऐसे बयान खूब वायरल हुए थे पिछली बार, लेकिन फिर भी 270 से ज्यादा सीटें उनको मिल गई, तो कहीं काम तो हुआ। इस शिकायत के बावजूद उनकी जो भी कार्यशैली है वो डिलीवर तो कहीं ना कहीं कुछ कर ही रही थी, तभी लोगों ने वोट दिया उनको। मलूक नागर जी, फिर आशुतोष जी। देखिए जहां तक बात सौरभ जी आपकी बात है, मैं भारत सरकार में मैं बैठता हूं, और भारत सरकार में जो भारत की संसद है वहां बैठता हूं, जो बिल लेके आते हैं और अगले 6 महीने अगले जो सत्र है उसमें अमेंडमेंट कर देते हैं, कभी वापस ले आते हैं। तो देखिए कोशिश तो बिल्कुल पक्का है और अच्छी बात है और अप्रिशिएट करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी करीब 2500 के करीब अमेंडमेंट आए हैं, जो बाबा आदम के ज़माने के जो कानून थे उनमें बदलाव करके नए एक फेडरल सिस्टम पे जा रहे हैं, और जो व्यवहारिकता में और जो देश को इसमें चलाने में कारगर हों उनको लेकर के आ रहे हैं। लेकिन कितना ही भी काम कर लें हमेशा गुंजाइश तो होती है, इसीलिए ये बाद में बदल करके लेकर आते हैं। इसमें बदलाव की जरूरत है, ये पूरे सब लोग जानते हैं कि आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, लेकिन जो नीचे की जो मशीन है जो पूरा लचर पचर कहीं ना कहीं है, उसकी वजह से आज आपके टेलीविजन पे डिबेट चल रही है जिसमें यूपी के शीर्ष नेतृत्व तो देश के शीर्ष नेतृत्व को इंटरफेयर। आप ये चाहते हैं कि नीचे का तंत्र यानी जो अफसरों का तंत्र मशीनरी है उसको दुरुस्त किया जाए, मंत्रियों पर ज्यादा भरोसा किया जाए, मंत्रियों को ज्यादा जिम्मेदारियां दी जाए। ठीक, आपने आशुतोष जी से पूछा था कि ये भ्रष्टाचार के साथ है या खिलाफ है। नहीं, ये आपका खुद का, सुनिए साहब, सौरभ जी, ये आपका खुद का विश्लेषण है। आप सर, मेरा मानना सीधा सीधा ये है, मिनिस्टर की भी सहमति हो और अधिकारियों को बढ़िया तरीके से पूरा तालमेल बैठा के काम हो, एक की किसी की ना चले। मैंने और क्या कह दिया, आपने कहा नीचे जो है वो ढांचा जो है सड़ गया है, मैं तो वो मशीनरी तो अफसर की तो होती है, वो सरकारी आदमी की तो मशीनरी होती है, तो मैंने कहा उसको दुरुस्त करने का आपका सुझाव है, यही बात मैंने कही, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। दोनों को ही मिनिस्टर को भी और उनको भी तालमेल बैठे बराबर से करें, और योगी आदित्यनाथ ईमानदार हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।